बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति, मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, कहा जाता है कि सपने उसी के पूरे होते हैं जो अपने सपनों को पाने के लिए शिद्दत के साथ, जी जान के साथ पूरी ताकत लगा देता है। अब सोचिए, अगर आपके सपने के पूरा होने में कोई बाधा बन जाए तो आप क्या करेंगे? आज जो आप करेंगे, इस वक्त समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव वही कर रहे हैं। दोस्तों, अपने शासनकाल में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उस वक्त के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक सपना देखा। उस सपना को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। वो सपना पूरा भी हो जाता, बदकिस्मती ये रही कि यूपी में सरकार बदल गई। 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आ गई और अखिलेश का सपना अधूरा रह गया। जयप्रकाश नारायण, जिन्हें दुनिया जननायक के नाम से जानती है, जिस तरीके से जयप्रकाश नारायण को लेकर के, उनकी जयंती को लेकर के जो लड़ाई इस वक्त अखिलेश और योगी के बीच में हो रही है, उसकी असल वजह अखिलेश का वही सपना है। चलिए पूरी कहानी आपको सुनाते हैं, बताते हैं तफसील से कि आखिर लड़ाई क्या है योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में इस मुद्दे को लेकर, जिस पर अखिलेश योगी पर भारी पड़ते हुए दिखे। दरअसल लखनऊ में जब शीर्ष पर सपा का राज था तो अरबों रुपए खर्च करके गोमती नगर में गगनचुंबी इमारत जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र यानी कि JPNIC के नाम से बनाया गया। साल 2016 में उस वक्त के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस बिल्डिंग का उद्घाटन किया, लेकिन 8 साल के बाद ये इमारत निर्माणाधीन है। यहाँ निर्माण का सामान फैला है, बारिश के कारण, जीव जंतु होने के कारण वहाँ पर इतने ज़्यादा खतरे हैं कि वहाँ जा नहीं सकते, ऐसा कहा जा रहा है। ये कहना है लखनऊ विकास प्राधिकरण का। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब अखिलेश यादव JPNIC जाने से रोके गए। अब चर्चा होने लगी कि आखिर क्या वजह है जो सरकार और प्रशासन अखिलेश यादव के JPNIC में जाने से रोक रहे हैं, किसी तरीके की अड़चने पैदा कर देते हैं। अखिलेश यादव वहां पर जब गए, JPNIC पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। इसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से जानते हैं। लखनऊ के गोमती नगर में गोमती नदी के किनारे बने JPNIC में सपा मुखिया अखिलेश यादव का 11 अक्टूबर यानी कि आज जयंती के तौर पर उनको उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करने का कार्यक्रम था। यानी कि अखिलेश यादव वहां पहुंच करके जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करते। अखिलेश यादव को सुबह 10:30 बजे के आसपास वहाँ पर पहुँचना था, लेकिन इससे एक दिन पहले आनन फानन प्रशासन ने रात में ही JPNIC के गेट पर टिन शेड डलवा दिए। टिन शेड को गेट के ऊपर तक इतना बड़ा करवाया ताकि उसे कोई फाड़ ना सके, क्योंकि पिछले साल अखिलेश यादव जिस तरीके से उसके गेट को चढ़ करके JPNIC के अंदर चले गए थे, इसे देखते हुए प्रशासन ने एक दिन पहले ही गेट पर टिन शेड डलवा दिया। ये केंद्र, जिसके बारे में बताया गया कि जिस अंदाज में वर्ल्ड क्लास का यह केंद्र बनाया गया, इसकी लागत या इसके बारे में जो जानकारी सामने आई, जिसमें यह कहा जा रहा है कि यह केंद्र 18.6 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें अनेक सुविधाएं हैं, जिनमें कन्वेंशन हॉल, 107 कमरों वाला एक लग्जरी होटल, एक जिम, स्पा, सलोन, रेस्टोरेंट, 20,000 सीटों वाला कन्वेंशन हॉल, एक ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल, 591 गाड़ियों के लिए एक 7 मंजिला कार पार्किंग, समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण के जीवन और विचारधारा को समर्पित एक संग्रहालय शामिल है। अब अखिलेश को रोकने के लिए ही JPNIC के बाहर बैरिकेडिंग लगाते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। सपा मुखिया अखिलेश यादव के आवास और सपा दफ्तर के बाहर भी बैरिकेडिंग करते हुए पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। सपा ने अखिलेश के कार्यक्रम को लेकर के जिम्मेदार अधिकारियों को पत्र लिखा था। दरअसल के मौका आ रहा है जननायक की जयंती का, हम वहां पर जाकर के माल्यार्पण करना चाहते हैं, जिस पर LDA ने अपना जवाब देते हुए अखिलेश को वहां पर जाने से रोक दिया था। मगर LDA की तरफ से जो जवाब दिया गया बहुत हास्यास्पद था। लिखा गया कि JPNIC एक निर्माण स्थल है जहां निर्माण सामग्री बेतरतीब ढंग से फैली हुई है, बारिश के कारण वहां पर कीड़े मकोड़े बिच्छू हैं, इसलिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव को वहां जाना ठीक नहीं, क्योंकि उनको Z+ की सुरक्षा हासिल है, सुरक्षा श्रेणी में आते हैं, जिस कारण सुरक्षा कारणों से उनका प्रतिमा पर जाकर के माल्यार्पण करना और JPNIC का दौरा करना सुरक्षा के लिहाज से अनुचित है। ये जवाब LDA की तरफ से दिया गया।
जेपीएनआईसी जाने से रोके जाने को लेकर के अखिलेश से लेकर के समाजवादी पार्टी के नेताओं ने योगी सरकार पर जुबानी हमलों की बौछार कर दी। सपा नेता उदयवीर सिंह का कहना है, इस मामले में वो लिखते हैं कि ये इमारत पिछले 7 साल से निर्माणाधीन है, जबकि इस इमारत में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते हुए कई कार्यक्रम कर चुके हैं, लेकिन आज सरकार कह रही है कि ये उनकी सुरक्षा के दृष्टि से ठीक नहीं है, ये निर्माणाधीन एक इमारत है। वहीं पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जो लिखा, जो कहा, इस बिल्डिंग को बेचे जाने की आशंका जताई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस बात को कह करके योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक बड़ा प्रहार किया। तो उधर सपा नेता उदयवीर सिंह ने कहा कि हमें लगता है कि सरकार इस इमारत को औने पौने दामों पर बेचने जा रही है। 1000 करोड़ की इमारत इतने दिनों से खाली पड़ी है, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हो रहा। सरकार जिम्मेदारी तय क्यों नहीं करती कि वे कौन से अधिकारी हैं जिन्होंने इस इमारत को इस स्थिति में पहुंचा दिया, क्योंकि वहां जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण नहीं कर सकता है। तत्कालीन मुख्यमंत्री दरअसल अखिलेश यादव ने साल 2016 में इस सेंटर का उद्घाटन किया था, लेकिन यह योजना सफेद हाथी बनकर के रह गई। अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल जेपीएनआईसी सेंटर काफी विवादों में रहा। उस समय विपक्ष में रही मौजूदा सत्ताधारी बीजेपी ने इस परियोजना पर पानी के तरीके से पैसा बहाने का आरोप लगाया था। 2017 में योगी सरकार के आने के बाद पिछली सरकार के जिन परियोजनाओं को रोक करके जांच कराई गई थी, उसमें ये परियोजना या कि जेपीएनआईसी की परियोजना भी शामिल थी। इस परियोजना को लेकर के कीमतों के बढ़ाए जाने, लागत के बढ़ाए जाने की जो खबर थी, उसको लेकर के 3 बार जांच योगी सरकार के जरिए कराई गई। 2 बार शासन स्तर से जांच हुई तो 1 बार राइट्स ने जांच की। बताया जा रहा है कि जेपीएनआईसी को मौजूदा हालत में ही खोलने की तैयारी चल रही है। शासन के निर्देश पर एलडीए को प्रस्ताव बनाने के लिए कह दिया जा चुका है। साल 2017 में इसकी जांच शुरू हुई थी और तब से यह काम ठप पड़ा है। इस वजह से यहां पर लगे उपकरण खराब हो रहे हैं, छाड़ियां उगाई हैं, फॉल सीलिंग भी टूट चुकी है, कन्वेंशन सेंटर, पार्किंग, म्यूजिक ब्लॉक्स, स्विमिंग पूल बर्बाद हो चुके हैं। निर्माण शुरू होने से पहले जेपीएनआईसी के जो अनुमानित लागत थी वो करीब 265.58 करोड़ रुपए तक तय की गई थी, लेकिन साल 2014 की अगर बात करें, इस पूरे अनुमानित बजट को लेकर के साल 2014 में 350 करोड़, साल 2015 में 142 करोड़, साल 2016 में 107 करोड़ और बढ़ा करके इसकी लागत 864 करोड़ 9.9% कर दिया गया। और इसके बाद में साल 2023 में एलडीए ने शासन से 60.43 करोड़ रुपए मांगे थे। सोचिए, वक्त रहते अगर सेंटर का निर्माण हो जाता तो इतनी रकम जो खर्च हुई है और आगे जो होगी ये नहीं होती। अब सवाल ये है कि इन तमाम चीज़ों को लेकर के अखिलेश यादव का एग्रेशन तो बनता है, सवाल क्यों ना उठाएं, इसलिए वो एग्रेशन दिखा रहे हैं। आखिर ये सपना तो अखिलेश यादव का ही था, अब अपनी आंखों के सामने सपने को ध्वस्त होता देखेंगे तो जाहिर तौर पर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचेगा और वो एंग्री मैन के तरीके से बिहेव करेंगे, जैसा कि एंग्री मैन के तरीके से अखिलेश यादव 10 अक्टूबर की शाम से लेकर के 11 अक्टूबर तक दिखे हैं। और इस अंदाज में अखिलेश यादव ने योगी सरकार की रणनीति को ध्वस्त कर दिया।